हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। इससे पहले की वीडियो में हमने विकास की अवधारणा के अंतर्गत विकास का अर्थ, विकास के स्वरूप, परिभाषा एवं वृद्धि एवं विकास में अंतर तथा विकास के जो सिद्धांत थे उनका अध्ययन किया था। यह विकास की अवधारणा का दूसरा भाग है। इसके अंतर्गत हम विकास की अवस्थाओं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको यह हमारा वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। सबसे पहले हम आज जानेंगे विकास की अवस्थाएं, यानी विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। मनोवैज्ञानिक हरलोक के अनुसार विकास की 11 अवस्थाएं हैं, यानी आपके हरलोक जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने विकास को 11 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया है। उनके अनुसार जो आपकी पहली अवस्था होती है वह गर्भावस्था होती है, जो कि गर्भाधान से लेकर जन्म तक होती है, यानी गर्भाधारण से लेकर और जब तक बच्चे का जन्म होता है उस समय तक हरलोक उस अवस्था को गर्भावस्था मानते हैं। इसके बाद दूसरी अवस्था की बात करते हैं, जो कि आपकी शैशवावस्था होती है और हरलोक के अनुसार यह जन्म से 2 सप्ताह तक होती है। तीसरी अवस्था होती है आपकी बचपना अवस्था, यह 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है। यह वर्गीकरण आपका हरलोक के द्वारा है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो बचपन की अवस्था होती है वह 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक होती है। इसके बाद वह फोर्थ अवस्था बताते हैं, पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। उसके बाद 5वीं अवस्था बताते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, जो कि आपके 7 वर्ष लेकर 12 वर्ष तक होती है। इसके बाद वह वयसंधि, यानी किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच की जो एक उम्र होती है उसको वह वयसंधि नाम का संज्ञा प्रदान करते हैं, जो कि आपके 12 से लेकर 14 वर्ष तक की होती है। सातवीं उनके द्वारा बताई गई पूर्व किशोरावस्था, जो कि आपकी 13 से लेकर 17 वर्ष तक होती है। इसके बाद उत्तर किशोरावस्था, जो कि 18 से 21 वर्ष तक होती है। नौवीं उनके द्वारा जो बताई गई वह थी पूर्णावस्था, जो कि 21 से 40 वर्ष तक होती है। दसवीं अवस्था जो उनके द्वारा बताई गई वह थी आपकी मध्यावस्था, जो 41 से 60 वर्ष तक की उम्र तक के बीच में होती है। और जो हरलोक द्वारा अंतिम अवस्था बताई गई वह थी आपकी वृद्धा अवस्था, जो कि 60 वर्ष के बाद की जितनी भी अवस्था होती है वह आपकी वृद्धावस्था होती है। जो हरलोक द्वारा वर्गीकरण किया गया वह मानव जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हो सकती हैं उनको उन्होंने वर्गीकृत किया। लेकिन जब हम बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं तो आपके हरलोक द्वारा केवल 8 अवस्थाओं का ही जिक्र उनके द्वारा किया गया है, यानी इसमें आपकी पहली 8 अवस्थाएं, जो कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, आपका जो बाल मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत इन्हीं 8 अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। एक मनोवैज्ञानिक रॉस, उनके द्वारा जो उन्होंने वर्गीकरण किया वह भी 4 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया बाल विकास को। उनके अनुसार जो शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये उनके द्वारा 4 अवस्थाएं बताई गई
और इन चारों अवस्थाओं का जो समय विभाजित किया गया वह इस प्रकार से है कि जो शैशवावस्था होती है वह आपकी 1 से 3 वर्ष तक होती है, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक होती है, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है, किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष तक की होती है। एक अन्य मनोवैज्ञानिक शैली के अनुसार 3 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया गया। उनके द्वारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन 3 अवस्थाओं में बच्चे के विकास को वर्गीकृत किया गया और उन्होंने शैशवावस्था को 0 से 5 वर्ष तक एवं बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक एवं किशोरावस्था को 13 से 18 वर्ष तक के बीच में रखा। तो यह थी आपकी विकास की अवस्थाएं। हर्लॉक द्वारा जो मानव विकास की संपूर्ण जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं वह 11 अवस्थाएं होती हैं। इसके बाद रॉस की 4 अवस्थाएं बताई गई बाल विकास की। इसके साथ साथ सहले के द्वारा जो बाल विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं वह आपकी 3 हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाल विकास या विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले आपका आता है वंशानुक्रम, यानी आपका जो विकास को प्रभावित करने वाला पहला तत्व है वह होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम आपका जो प्राणी का रंग रूप, लंबाई, इसके अलावा आपकी अन्य शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं या विशेषताएं जैसे बुद्धि, तर्क, स्मृति आदि का निर्धारण वंशानुक्रम द्वारा ही होता है। तो यह भी एक अहम तत्व होता है जो कि आपके वंशानुक्रम को प्रभावित करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो आपका होता है वातावरण। वातावरण भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो विकास को प्रभावित करता है। वातावरण के अंतर्गत भी सभी बाह्य शक्तियां सम्मिलित होती हैं जो कि मानव के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो वातावरण बच्चे के घर का होता है, यानी सबसे जो महत्वपूर्ण वातावरण होता है वो आपके बच्चे का घर होता है जो कि उसको सर्वाधिक रूप से प्रभावित करता है। यानी जो बच्चे के घर का वातावरण होता है वह उसको सर्वाधिक प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका आहार, यानी आपका विकास जो होता है उस पर आहार का भी प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे पहले आपका आता है मां का आहार, यानी जो गर्भावस्था, जो गर्भकालीन अवस्था से लेकर जन्म के उपरांत तक की जो शिशु को प्रभावित करता है वह आपका आहार होता है। जैसे भोजन के जो पोषक तत्व तो होते हैं कि जो उनकी मात्रा होती है वह विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। इसके बाद आते हैं आपका फोर्थ पॉइंट नंबर रोग। आपके चाहे शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग, यह बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। जब कोई बच्चा बाल्यावस्था में अधिक दिनों तक बीमार रहता है तो क्या होता है कि जो उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब बालक के अंदर बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इनमें से जो आपके स्राव निकलते हैं वे बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। एक आपकी पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है उससे जो स्राव निकलता है उसका सबसे अधिक प्रभाव आपके हड्डियों और दांतों का जो विकास होता है उस पर पड़ता है, एवं बालक के संवेगात्मक व्यवहार और शांति को भी आपकी जो पैराथायराइड ग्रंथि होती है वह भी, यानी उसका जो स्राव होता है वह काफी प्रभावित करता है। इसके अलावा बालक की लंबाई के जो संबंध में थायराइड ग्रंथि जो होती है उसका स्राव जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा जैसे आपके बच्चों में जो पुरुष संबंधी लक्षण दिखाई देते हैं, दाढ़ी मूछें, पुरुष जैसी आवाज आदि, ये सभी किस प्रकार से, यह भी आपके जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनके प्रभाव के कारण ही विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बुद्धि। अब बुद्धि किस प्रकार से बच्चे को प्रभावित या बाल विकास को प्रभावित करती है, यह तो पता है कि बुद्धि जो होती है यह मानव विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यह आपका प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से बालक के विकास को या शारीरिक विकास या मानसिक विकास को दोनों ही रूप से प्रभावित करता है।
जो आपके तीव्र बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि वाले विकास जो बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा तीव्र गति से उनमें विकास होता है, जबकि दुर्बल बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास होता है वह तीव्र बुद्धि वालों बालकों की अपेक्षा करते थोड़ा कम होता है। आपका नेक्स्ट आता है यौन यानी सेक्स। अब क्योंकि आपके लिंग जो होता है वह भी शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। जैसे जन्म के समय जो लड़कियां जो लड़कों की अपेक्षा कम लंबी उत्पन्न होती हैं, परंतु वयसंधि यानी आपकी जो 13 से 14 वर्ष की उम्र होती है उस समय यह जो अवस्था होती है लड़कियों में परिपक्वता के अधिक लक्षण होते हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का मानसिक विकास भी कुछ पहले पूर्ण हो जाता है। यानी आपका जो जो लड़कियों का मानसिक विकास होता है वो लड़कियों की अपेक्षा पहले कम यानी आपका विकास जो होता है वो पहले ही पूर्ण हो जाता है। तो आज के लिए बस यही था फ्रेंड्स। आज हमने पढ़ा आपका सबसे पहले विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी हरलोक के अनुसार, जिसमें हरलोक द्वारा आपकी 11 अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया, जिसमें पहली अवस्था आपकी गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि, किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था एवं वृद्धावस्था होती है। इसके बाद रॉस के अनुसार जो 4 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया गया, शैशवावस्था, पूर्वावस्था, उत्तर बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, रॉस के द्वारा भी। और इसके बाद लास्ट में आपकी थी, हमने अध्ययन किया सैले के अनुसार, जिन्होंने 3 अवस्थाओं में वर्गीकरण किया, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। अगर फ्रेंड्स अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Take care of my heart.